अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जी, आज मैं 4 बज के करीब बाहर निकली थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मौसम जो है ना बहुत अच्छा हुआ था, तो मौसम बहुत ज़्यादा फ्रीजी था, इनका टेम्परेचर जो है ना 2 डिग्री था। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी शाम के टाइम ज़रूरी, तो इसलिए जो है ना मुझे बाहर आना था। तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग बनाते हैं, कुछ ज़रूरी आइटम्स लेनी थी। ये जी तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम है और असर की अजानें हो चुकी हैं और ये जो है ना हमारा नोटिंघम का एरिया है। तो अभी तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन 5 बजे के करीब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, बिकॉज लोग जो है ना काम पर आ जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो इसलिए फिर जो है ना मैंने सोचा कि मैं जाके फटाफट जो है ना ज़रूरी चीज़ें ले आऊँ। मैंने अपनी बेटी को प्रॉम में बिठाया और जल्दी जल्दी जो है ना हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हमारे करीबी दुकानें, और मैं ये पैदल जा रही हूँ। मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की रेसिपी बताने वाली हूँ कि लास्ट में ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि मैंने अब घर जाके बनानी है। तो फटाफट से ये मैंने आइसलैंड जो है ना आइसलैंड से छोटी सी शॉपिंग कर ली, जो मैंने चीज़ें वगैरह लेनी थी वो सारी ले ली हैं। यहाँ पर डिस्काउंट पर भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी। तो फिर मैं जी ये आइसलैंड से बाहर निकली हूँ, तो टेस्को के बाहर पे कैश विड्रॉल मशीन है, तो वहाँ से मैंने जो है ना वो कैश निकलवाया। तो ये देखें, ये बाहर तकरीबन टाइम अब हो चुका है 5 बजे का, 5:15 बजे का। तो ये देखें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया इस वक्त, लोग जो है ना काम पे जा रहे होते हैं तो कोई आ रहा होता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, फिर मैं अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ। तो ये हम लोग जो है ना वो घर आ गए तकरीबन, तो ये घर के करीब ही हमारे जो है ना दुकान है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया। तो ये जी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा घर आ गया, और मैं ये अब जो है ना अपनी बिरयानी की तैयारी करने लगी। ये जो मज़ेदार की रेसिपी है जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये ज़्यादा जो है ना बिरयानी बनानी थी, और मैंने 5 प्याज लिए, और ये टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हरी मिर्चियाँ जो कि पहले से मैंने फ्रीज करके रखी, फटाफट से मैंने निकाल ली है। मेरे हाथ पे ये छुरी भी लगी थी, छोटा सा कट लग गया था प्याज काटते हुए, तो फटाफट से मैंने प्याज काट लिया और प्याज को ना फ्राई करने के लिए रख दिया। ये प्याज फ्राई होने के लिए रखे जा चुके हैं, और साथ ही साथ जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से जो चिकन था ना वो बड़े बड़े पीस थे वो मैंने जल्दी से धो लिए अच्छे से साफ़ सफाई से। तो ये बिरयानी बनानी थी इसलिए थोड़े पीस जो है ना मैंने बड़े मंगवाए थे। इस तरह जो अच्छे से जो चिकन जो है ना वो मैंने धो लिया और इसे मैंने साइड पे रख दिया, और साथ ही साथ मैंने जो है ना वो डब्बे वगैरह में ये नमक और मिर्ची वगैरह ख़त्म हुई थी वो सारी मैंने डाली। ये तो सबसे बड़ा स्यापा होता है जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है हमें डालनी पड़ती है, तो ये हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था। तो ये मैंने मसाले वगैरह सारे, ये हरी मिर्चें और ये लाल मिर्चें और ये नमक है, वो मसाले है, ज़ीरा है, और ये दालचीनी का पीस है, ये सारे मसाले मैंने अलग कर लिए हैं, जो कि मैंने ये अब प्याज जब फ्राई हो जाएगा उसमें डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले अलग करके रख ली हैं, और साथ ही साथ मैंने जो है ना 5 कप तकरीबन जो है ना वो चावल के भिगो के रख दिए हैं तकरीबन आधा घंटा पहले, ताकि चावल जो है ना वो खिले खिले बने और अच्छे बने। ये मैंने चावल को भिगो दिया अच्छी तरह, धो के 2-3 बार पानी निकाल के, तो ये मैंने अच्छी तरह से इनको धो के रख दिया। चावल जो है ना आप लोगों ने अच्छी तरह से धोने चाहिए। तो ये मैंने जो है ना इसमें इसके अंदर जो है ना टमाटर और ये हरी मिर्चें और ये सारा कुछ ना डाल दिया। ये तकरीबन मसाला बन के तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने जो है ना चिकन डाल देना, चिकन डाल के इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना, और साथ ही साथ जो है ना मैंने वो रायता तैयार कर लेना है। और रायता जो है ना वो ग्रीन चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई है, और ग्रीन चटनी की रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, और साथ ही ये चिकन डालते सारे ना जो मैंने इसको रख दिया था, साथ ही साथ मैंने रायता तैयार कर लिया। तो ये तकरीबन जो है ना वो पकने, ये देखें जी ये दही ले लिया, और साथ ही मैंने ग्रीन चटनी के साथ जो है ना वो दही को मिक्स कर दिया, और साथ ही साथ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया चावलों को बॉईल करने के लिए, और इसमें मैंने सिरका डाला है और नमक डाला है और ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और इलायची डाली है खुशबू के लिए। और ये तकरीबन चिकन बन के तैयार हो चुके हैं, साथ ही साथ मैं सैलड जो है ना वो तैयार के लिए, सैलड और रायता भी तैयार हो चुका है, और
हमारे चिकन भी तैयार हो चुका है और अब जी चावल जो है ना बॉयल हो रहे हैं। जी चावल बॉयल हो चुके हैं, अब मैंने जो है ना इनको वो दम पे लगा दिया है तहें लगा के, और हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद तो ही होगी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।